कुछ चीज़ें हमें माइंड में रखनी चाहिए जब हम मैनेज करते हैं डायबिटीज़ के पेशेंट्स, स्पेशली इन द मॉनसून? सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ पर्सनल हाइजीन. फूड जो है, अपना फीट जो है उनको रेगुलरली इंस्पेक्ट करें. स्ट्रीट फूड या बाहर के खाने में रिस्क ऑफ इन्फेक्शन अगेन ज़्यादा होता है. 8 से 10 ग्लास पानी रोज़ पीना चाहिए. याद रखें कि कभी भी जो है ना डर्टी सॉइल्ड हैंड्स जो हैं उसे आँख को टच नहीं करें. हेलो, आई एम डॉक्टर हिमिका चावला, कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट एट PSRI हॉस्पिटल. आज हम बात करेंगे मैनेजिंग डायबिटीज़ इन मॉनसून. तो डायबिटीज़ मैनेजमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट इन ऑल द सीजन्स, बट मॉनसून में कुछ स्पेशल चैलेंजेस होते हैं, स्पेशली द ह्यूमिडिटी एंड द इंक्रीज रिस्क ऑफ कंटेमिनेशन और पानी से फैलने वाली बीमारियाँ, यानी कि वाटर बॉर्न डिजीज़. सो कुछ चीज़ें हमें माइंड में रखनी चाहिए जब हम मैनेज करते हैं डायबिटीज़ के पेशेंट्स, स्पेशली इन द मॉनसून. सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ पर्सनल हाइजीन, और दिस इज़ स्पेशली इंपॉर्टेंट क्योंकि रिस्क ऑफ इन्फेक्शन हाई होता है मॉनसून में. सो इन पर्सनल हाइजीन सबसे इंपॉर्टेंट इज़ फूड केयर. सो फूड जो है, अपना फीट जो है उनको रेगुलरली इंस्पेक्ट करें, और कोई भी कट्स वगैरह जो होते हैं उनको फटाफट एड्रेस करें. उस पर एंटीबैक्टीरियल ऑइंटमेंट लगाएं, उसको प्रॉपरली क्लीन करें. फुटवेयर इंपॉर्टेंट है यूज़ करना, कंफर्टेबल एंड हार्ड फुटवेयर यूज़ नहीं करें, एंड नंगे पैर या बेयर फुट तो बिल्कुल भी ना चलें. उसके बाद सेकेंडली वेरी इंपॉर्टेंट इज़ द डाइट. खाने में कोशिश करें कि रॉ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो है उनको यूज़ नहीं करें. फ्रूट्स को हम प्रॉपरली वॉश करें और वेजिटेबल्स को एटलीस्ट थोड़ा सा स्टीम करें, और खाना ज़्यादातर घर का बना ही हुआ ही खाएं, क्योंकि स्ट्रीट फूड या बाहर के खाने में रिस्क ऑफ इन्फेक्शन अगेन ज़्यादा होता है. थर्डली इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ हाइड्रेशन. डायबिटिक पेशेंट्स को अपना हाइड्रेशन अच्छा रखना चाहिए. 8 से 10 ग्लास पानी रोज़ पीना चाहिए. मॉनसून में स्पेशली इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बहुत ह्यूमिडिटी होती है और हमें उतनी प्यास नहीं लगती है, बट स्टिल हमें अपना हाइड्रेशन मेंटेन करना है, और याद से पानी का 8 से 10 ग्लास का रेगुलर कंजम्पशन जो है उसको जारी रखना है. अपार्ट फ्रॉम दिस, एक्सरसाइज इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट थिंग. मॉनसून में जनरली ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने के कारण हम एक्सरसाइज को इग्नोर करते हैं, एक्सरसाइज को ज़्यादा कर नहीं पाते. बट डायबिटिक पेशेंट्स के लिए 30 मिनट्स ऑफ रेगुलर मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज, और यू कैन से अबाउट 150 मिनट्स इन अ वीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है. और आप अपनी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइजेस को चेंज कर सकते हैं, बट मॉनसून में भी मेंटेन करें अपना रेगुलर एक्सरसाइज शेड्यूल, तभी आप अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल कर पाएंगे. फाइनली अ वर्ड अबाउट आई केयर. आई केयर इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. याद रखें कि कभी भी जो है ना डर्टी सॉइल्ड हैंड्स जो हैं उसे आँख को टच नहीं करें, और रेगुलरली जो है हैंड वॉश करते रहें, जिससे कि जो इन्फेक्शन हैं हमारे हाथ में जो भी, तो वो आपके आईज़ में ट्रांसमिट ना हो पाएँ.